जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाज़रीन, कुछ लोगों का ये दिमागी मसला होता है कि उन्हें किसी ना किसी तरह से खबरों में रहने की आदत होती है, और ऐसे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इवन कि ना उन्हें अपनी इज्जत की परवाह होती है ना किसी की इज्जत की परवाह होती है। और ऐसा ही एक करेक्टर माशाल्लाह रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, तो आपसे ये गुजारिश है कि बात को पूरी समझने के लिए या कमेंट करने से पहले वीडियो पूरी जरूर देखें, ताकि आपको हर पहलू से इस चीज का पता चल सके। नाज़रीन, एक यूट्यूबर जो कि रिसेंटली 2.5 महीने पहले दुआ ज़हरा केस के सिलसिले में आई, और उसने आकर सोशल मीडिया पर बेहूदगी और बेहयाई फैलाना शुरू की, और उसने बिला वजह बिला जवाब जहीद गैंग की साइड लेना शुरू की, और अपने प्लांटेड लोगों की तरह उसने भी ये काम करना शुरू किया। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ज़ुनैरा महम की। अब उसने जब देखा कि दुआ ज़हरा वाले केस के गुब्बारे से हवा निकल गई है, तो अब उसने एक और एक्सट्रीम तलाश की। उसने वो एक्सट्रीम कौन सी तलाश की, उसने मरियम नवाज साहिबा पर एक बहुत गलत सा इल्जाम लगा कि ये वीडियो आप उसकी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और उनकी कोई बेहुदा सी वीडियो जो है, मे भी ये चीजें हैं भी या नहीं वल्ला आलम, क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने वो वीडियो उनके साथ एसोसिएट करके अपने चैनल पर फैला दिया, और वो काफी सारे लोग इसे देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को बस अपनी शोहरत से गर्ज है, अपने पैसे से गर्ज है, इन्हें कोई अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती, कोई किसी की इज्जत की परवाह नहीं होती, इसीलिए वो ना सिर्फ अपनी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हैं बल्कि दूसरों की इज्जतों का भी ख्याल नहीं रखते। तो ऐसे लोगों की बातों पे आने के बजाय इनका सख्ती से बायकॉट करें, ताकि इनकी हौसला शिकनी हो, इनमें ये हिम्मत ना हो, इनको ये पता चले कि हमारी आवाम बाशऊर है, हम कोई गाय भैंसे नहीं है कि कोई हमें जिस तरफ भी लगा दे हम उस तरफ चल पड़े। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।